बिहार की राजनीति में एजेंडा का अभाव है और लगता था कि बिहार की राजनीति वास्तविक मुद्दों में भटक गई है। राज्य की वास्तविक समस्याओं को भुला दिया गया है और राजनीतिक समीकरण पर टिकी है, परंतु समीकरण भी तो कच्चे ही हैं। इसकी कच्ची परिस्थिति में शासक दलों ने मिलकर रत्नेश सदा को चुन लिया। संतोष भूमिया मांझी जाति के हैं और रत्नेश सदा उत्तर बिहार के मुसर जाति के हैं। पढ़ाई लिखाई इन्होंने की है। 3 दफा से सहरसा जिले के सोनबरसा से जेडीयू के विधायक रह रहे हैं। महेंद्र सुमन ने इस्तीफा सौंपा और आरजेडी तथा जेडीयू नेतृत्व के विकल्प को ढूंढ लिया। रत्नेश सदा अब अनुसूचित जाति और जनजाति के कैबिनेट मंत्री होंगे। सहरसा में वे कहीं थे, उन्हें खोजा गया और आज सुबह तक यह संदेश सबको मिल गया है कि रत्नेश सदा ही संतोष सुमन की जगह लेंगे। बिहार की राजनीति में कल्याण विभाग का जितना महत्व है, यह विभाग उतना चर्चित नहीं रहा है। जीतन राम मांझी इसी विभाग के मंत्री से मुख्यमंत्री पद तक गए थे, परंतु इस विभाग के 2 सचिव के मुकाबले जीतन राम मांझी कभी उतना चर्चित नहीं रहे थे। पीके रमैया और एमएस राजू लगातार इस विभाग के छात्रवृत्ति वितरण मामले में भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए और जेल गए। वेलफेयर के कई स्कीम दलित आदिवासी कल्याण विभाग से संचालित होते हैं, परंतु जीतन राम मांझी के पुत्र जब विभाग के मंत्री बने तब विभाग में उनकी हैसियत कभी पहचानी नहीं गई। उनके भेजे गए गलियारों में घूमते रहते थे, ऐसा अनायास नहीं था। जीतन राम मांझी जब मोहनपुर और बाराचट्टी ब्लॉक को मिलाकर बने हुए विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे, तब इस इलाके का सबसे महत्वपूर्ण मसला था वनाधिकार कानून, परंतु लोग यही कहते थे कि उनके अपने मंत्री ने उन्हें वनाधिकार कानून के बारे में नहीं बताया। ऐसा इसलिए सोचते थे कि उनके बीच काम कर रहे संगठन जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी और मजदूर किसान समिति ने सबसे पहले इसी क्षेत्र में वनाधिकार कानून के दावे करवाए। 2014 में जब जीतन राम मांझी एमपी पद के लिए लड़ रहे थे, तब उन्होंने इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित संगठन को लिखित आश्वासन देने का वादा किया था। कहा था कि वह जीते या हारे लोगों का काम करेंगे, वनाधिकार कानून को क्षेत्र में लाएंगे, परंतु चुनाव हारने के बाद वह मुख्यमंत्री बन गए और तब उन्होंने लापरवाही बनाए रखी है। इस तरह उनके पुत्र संतोष सुमन भी अपनी कोई हैसियत जाहिर नहीं कर सके और अब कल्याण विभाग से इस्तीफा उल्टा पड़ रहा है। संतोष सुमन का इस्तीफा स्वीकार होगा या उनके पिता और पार्टी की बार्गेनिंग को जेडीयू मान लेगी, राजनीतिक गलियारों में ये बात चल रही थी। तभी पता चला कि इस पद के लिए विकल्प ढूंढा जा रहा है, अर्थात संतोष सुमन का इस्तीफा राज्यपाल के पास जाएगा और इस पद के लिए रत्नेश सदा शपथ ग्रहण करेंगे। अभी गवर्नर साहब यहाँ नहीं हैं, इसलिए शपथ ग्रहण कल शाम को 5 बजे होगा।